नमस्कार, मैं नीलम सिन्हा। कुछ परिचय अपने बारे में बताना चाह रही हूँ कि मैं आज 35 साल से मैं रांची में रहती हूँ और मेरा मायके बिहार में पड़ेगा सासाराम, और वहीं से मैं ग्रेजुएशन की हूँ मगध यूनिवर्सिटी से। और मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मैं शादी हो गया है, दोनों बच्चे, एक बेटी मेरी है, दामाद मेरा, दोनों अमेरिका में ही रहता है, और बेटी, बेटा और बहू दोनों बेंगलोर में है। और मैं अभी नया नया इस घर में ही शिफ्ट की हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि थोड़ा आप लोग को अपना एक घर दिखाएं कि घर कैसा लग रहा है। अभी ठीक से मेरा घर अभी सेट नहीं हुआ है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि मेरा घर कैसा है। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन मैं बना नहीं पा रही थी, तो आज मैं हल्का फुल्का थोड़ा सा वीडियो मैं अपना बना रही हूँ, और उम्मीद है कि मेरे घर आप लोग को अच्छा लगेगा। लेकिन अभी ठीक से पूरा घर मेरा सेट हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि जो भी है हल्का फुल्का आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो हमको तो घर सजाने का बहुत शौक़ है, बचपन से ही, मैं छोटी थी तभी से मुझे घर सजाने का बहुत शौक़ है। और खाना उना भी बनाना मैं बहुत अच्छा जानती हूँ, बिहारी खाना मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। झारखंडी का खाना भी जो है, धुसका है, बर्रा है, जो यहाँ का फेमस है, वो भी मैं बनाती हूँ। और बिहार का तो पूरा खाना ही मुझे आता है, मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब बताऊँगी। और घर सजाना तो मेरा हॉबी है, बचपन से मेरे घर का बहुत शौक़ है सजाने का। तो मैं आज अपना हल्का फुल्का आपका घर अपना दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से मतलब रखी हूँ अपने घर को। देखिए, ये मनी प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये कम से कम मतलब 5-6 साल पुराना मनी प्लांट है। और ये क्या है, ये देखिए टोकरी में लगाए हैं, देखिए प्लेट नीचे रखे हैं, एक टोकरी है, मिट्टी भी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, लेकिन देखिए इसका ग्रो कितना अच्छा हो रहा है, एकदम पूरा हरा पत्ता कुछ भी है। पानी भी मैं 4-5 दिन में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी छिड़ देती हूँ, यहाँ धूप भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखिए आप ही लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जो चाय बनाती हूँ ना, तो उसका चाय पत्ती जो है, जो बेस्ट मटेरियल है चाय पत्ती, मैं इसी में डाल देती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं, हल्का फुल्का पानी ही खाली छिड़ती हूँ, और ऐसा कुछ खाद मैं नहीं डाली हूँ इसी से। मतलब ये मेरा मनी प्लांट देखिए कितना सुंदर हुआ है। हाँ, ये देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरा शादी का मेरा गगरा है, शादी का गगरा है, देखिए बेस्ट पड़ा हुआ था, एकदम काला हो गया था इसको एकदम। तो मेरे हस्बैंड तो इसको सोच रहे थे कि इसको हम बदल दें, हमारे बदलने में क्या होगा, बदलने से एक टूल लौटा देगा, कुछ देंगे तो कुछ पैसा तो सब पूरा मिलेगा नहीं। मैं क्या की कि इसको अच्छा से पूरा एकदम साफ करके, और देखिए इसमें मैं फूल लगा दी हूँ, और ये देखिए एक पॉट का काम कर रहा है, कितना सुंदर एंटीक लग रहा है। और ये मग देखिए, ये मग मेरा बच्चा कम से कम 10-15 साल पुराना है, छोटा लोग था तभी इसमें मग में पीता था, मग फेंका हुआ था, तो बच्चा लोग तो बड़ा हुआ लोग बाहर निकल गया, ये मग क्या करते, तो इस मग में ही देखिए मैं मनी प्लांट लगा दी हूँ। देखिए कितना सुंदर ग्रो कर रहा है, कुछ नहीं, केवल मिट्टी में डाली हूँ और हल्का हल्का पानी में छिड़ देती हूँ। देखिए इसमें तो होल भी नहीं है, इसी तरह से है, देखिए देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। अभी देखिए कितना सुंदर इसमें लग गया है, यहाँ धूप भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत अच्छा हुआ है। ये देखिए गिलास है, ये प्लास्टिक का गिलास है, देखिए इसमें, देखिए इसमें देखिए कितना अच्छा मनी प्लांट, कुछ चीज़ में मैं लगा दे रही हूँ, देखिए केवल मिट्टी है और मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, केवल मिट्टी है, और हल्का हल्का पानी में डाल देती हूँ, और देखिए कितना अच्छा हुआ है। ये देखिए कांच का गिलास है, इसमें मैं स्नेक लगाई हूँ, स्नेक प्लांट देखिए कितना सुंदर हुआ है, इसी तरह से भी मिट्टी में ही है, मिट्टी में देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब देखिए मैं ये आपको शोकेस का मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए मेरा लकड़ी का घोड़ा है, मैं जब एनजीओ चलाती थी उस समय मैं ये लकड़ी का घोड़ा खरीदी थी, और बहुत बेकार हो गया था मेरा घर में, मेरा इसी तरह से पड़ा हुआ था एकदम, फिर उसको मैं काला पेंट करके हल्का फुल्का गोल्डन पेंट कर दी हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है दोनों घोड़ा को। और ये देखिए मैं कपड़ा से मैं बनाई हूँ, कपड़ा और सीमेंट का बनाई हूँ ये पॉट में, और कैसे बनाई हूँ अभी मैं तो बता नहीं सक रही हूँ, बाद में मैं कैसे बनाई हूँ इसका सब पूरा आप लोग को मैं बताऊँगी कि मैं किस तरह से इसको बनाई हूँ। तो ये देखिए बेस्ट मटेरियल है, इसमें तो कुछ खर्चा नहीं लगा है, थोड़ा सीमेंट लगा, थोड़ा मेहनत लगा, आपका दिमाग लगा कि हाँ कैसे बनना है। तो देखिए कितना सुंदर पॉट बन गया है, यही अगर आप ख़रीदने जाइएगा ये तो कोटा तो कितना मतलब ही महंगा मिलेगा, टेरा कोटा का सामान आप ही जान ही रहेंगे कितना महंगा मिलता है। ये पॉट तो मैं यहीं से खरीदी हूँ, मैं रांची से ही है, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 का है। देखिए आप लोग को देख लग रहा है कि अच्छा लगेगा, कल ही मैं खरीद के लाई हूँ। तो मैं कल ही 200 का खरीद के इसको लाई हूँ, हमको छोटा छोटा चीज़ है, हल्का फुल्का जो कम दाम में मिलता है, मैं वो ज़्यादा पैसा मैं वेस्ट करना नहीं चाहती हूँ, तो छोटा छोटा जो मिलता है अगर हमको अच्छा लगता है तो मैं इसको खरीद लेती हूँ। तो देखिए ये मैं खरीद के कल ही लाई हूँ, और सुंदर लग रहा है, छोटा है लेकिन सुंदर लग रहा है, अच्छा
अच्छा लग रहा है, आंटी भी कैसे रहते हैं, अच्छा लग रहा है, ऐसा है आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये देखिए मेरी बेटी का कितना पुराना, जब पढ़ती थी तब उसको एक प्राइज में मिला था, और देखिए कि आज मेरी बेटी यूएस में है, मतलब छोटी थी तभी इसको स्कूल में मिला था, और आज मैं इसको अभी तक रखी हुई हूँ, और देखिए यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए फूल भी, देखिए ये फूल आप देख रही हैं ना, ये कल ही मैं ये फूल को भी मैं कल ही लाई हूँ, अगर गगरा में लगाई हूँ। देखिए ये गुलाब है, ये सूरजमुखी का फूल है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये ज़्यादा महंगा नहीं है, 500 में दिया है, गुलाब का दिया है, और ये 310 में देखिए दिया है, बहुत सुंदर, इसका कपड़ा भी बहुत सुंदर है, धो भी सकते हैं, बहुत अच्छा है, तो कल ही मैं खरीद के लाई हूँ। और आइए मैं इधर आकर आपको अपना बगान दिखा देती हूँ। मुझे बागवानी का बहुत शौक़ है, और यहाँ तो जगह बहुत कम है, मेरा बालकोनी भी बहुत छोटा है, मेरा मतलब उतना मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन फिर भी मेरा जो जगह है उसी में मैं कुछ कुछ गमला कर रखी हूँ। ये देखिए मेरा प्लांट कितना सुंदर ग्रो कर रहा है, कुछ मैं नहीं डालती हूँ, केवल मिट्टी है, अभी तो मैं इसमें खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाली हूँ। देखिए मेरे देसी गुलाब है, अभी कोली लग रहा है, इसमें कली लग रहा है, और ये देखिए मैं टोकरी में मैं लहसुन लगा दी हूँ, मेथी लगाई हूँ, चना का अभी सब छीटी हुआ नहीं है, देखिए कितना अच्छा हो गया है। एक टोकरी है 20-20 रुपये में, मैं टोकरी खरीद के लाई हूँ, जगह नहीं, देखिए इसमें मैं बांध दी हूँ, और बांध के मैं देखिए इसमें लहसुन वसुन, अभी तो लहसुन कितना महंगा है, तो हम इसमें लगा दी हूँ कि थोड़ा भी कुछ ज़रूरत पड़ेगा तो तोड़ लूँगी। ये देखिए मनी प्लांट, केवल मैं अभी कुछ भी नहीं डाली हूँ, केवल मिट्टी है, कोई खाद वगैरह कुछ भी नहीं मैं डाली हूँ, केवल मिट्टी से ही इतना ग्रो कर रहा है। बस पानी भी खाली पानी में हल्का फुल्का एक दो रोज पर मैं दे देती हूँ। देखिए घोड़ा, देखिए ये घोड़ा भी मेरा बहुत पुराना है, मेरा बच्चा लोग जब छोटा था तब भी हम लोग घोड़ा यहाँ खादी मेला मोराबादी में लगा था, तो वहीं से हम खरीद के लाए थे, कि इसका पेंट तो दूसरा पेंट दिया था लेकिन ख़राब हो गया था, तो मैं इस बार तो फिर पेंट इसको कर दी हूँ दीपावली में। और देखिए इसमें भी मनी प्लांट लगा दी हूँ, देखिए इसमें भी देखिए पौधा लगा हुआ है, केवल कुछ भी नहीं, केवल खाली मिट्टी है, अभी खाद वगैरह मैं कुछ भी नहीं डाली हूँ, केवल पानी और मिट्टी है। देखिए कितना ग्रो कर रहा है अभी सब, मनी प्लांट भी देखिए कितना अच्छा हो गया है। ये दोनों घोड़ा बहुत पुराना है, मेरे बच्चा लोग जब छोटा था तब का ही घर। देखिए झोपड़ी, ये झोपड़ी भी मैं वहीं से खरीद के लाई थी मोराबादी से, रांची से, और देखिए बहुत पुराना है लेकिन अभी तक मेरा चल रहा है। कोई चीज़ को मैं थोड़ा ठीक से रखना चाहती हूँ कि जो जल्दी टूटे नहीं। और ये देखिए मेरा मतलब कि शादी में मेरे बेटी लोग का मंडप में कोई कोई कलसा का काम होता था, तो बहुत लोग तो है कि उसको फेंक देता है चाहे उसको प्रवाहित कर देता है, लेकिन हम इसको देखिए अभी सब पेंट कर दी हूँ, पेंट करके सब यूज में कर ली हूँ, सब शादी का ही सब है, छोटा छोटा कलसा में कुछ कुछ काम पंडित जी करवाए थे तो हम सब उठा के ले आई थी, और सबको पेंट करके देखिए कितना अच्छा इसमें लगा दी हूँ। ये देखिए मेथी, देखिए मेथी लगा है, देखिए इधर चना, चना मैं लगाई हूँ, चना निकला नहीं है, देखिए चना है, मेथी है, ये सब टोकरी है, टोकरी में केवल प्लास्टिक देखे डाल के और मिट्टी डाल दी, अभी कुछ खाद वगैरह कुछ भी नहीं डाली। ये देखिए इसमें, ये देखिए ये सब पापड़ी का, देखिए ये डब्बा था, इस डब्बा में भी मैं देखिए लहसुन मेथी सब मैं छीट ली, देखिए ये देखिए कोई होल वगैरह कुछ नहीं, कितना छोटा है, इसमें भी देखिए निकल गया है, केवल मिट्टी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आप खाद ही डालिएगा, मिट्टी भी है तो मिट्टी से भी आपको चलेगा। ये देखिए, ये देखिए मेरा पाम प्लांट देखिए कितना ग्रो कर रहा है, कितना ऊंचा हो गया है, इसमें भी मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, केवल पानी, देखिए ये भी मेरा बहुत पुराना है, मेरा ये प्लांट है, देख रहे हैं बहुत कितना बड़ा हो गया है। ज़्यादातर मैं तो उसको रूम में ही रखती हूँ, अपना ड्राइंग रूम में रखती हूँ, और फिर थोड़ा दो चार दिन के बाद थोड़ा हल्का फुल्का इसको धूप लगा देती हूँ। ये देखिए मेरी बेटी का शादी का कलसा है, जो हाथी और कलसा घर में रखाता है, तो बहुत लोग तो इसको प्रवाहित कर देता है, रख देता है कि घर में टूट टट जाता है, लेकिन हम इसको क्या किए, इसमें भी देखिए मिट्टी भर के, और इसमें देखिए मैं पेड़ लगा दी हूँ। ये देखिए पेंट का है, मेरा पेंट जो इससे हुआ था, पेंट का डब्बा है, इसमें मैं देखिए चम्मच है प्लास्टिक का, और अखरोट का है, ये सब का बीज है, ये सबसे मैं देखिए सबको पेंट लगा के बना दी हूँ,
मैं कैसे बनाई हूँ इसको अब मैं बाद में आपको बताऊँगी, अभी तो मैं हल्का दिखा दे रही हूँ। ये देखिए, मैं NGO चलाती थी उस समय, मेरे जूट का बहुत काम की थी। देखिए जूट का, देखिए कितना सुंदर ये सजाने का है, जाली है, जूट का कैसे बनता है उसको भी मैं बताऊँगी कि मैं जूट का सामान सब कैसे बनाई। ये देखिए नारियल है, सूखा नारियल था, ऐसे ही फेंका हुआ था, तो हम क्या किए इसको पेंट करके देखिए इसको रख दिए हैं ड्राइंग रूम में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखिए नारियल है। ये देखिए कलसा था शादी का, मेरा बेटी का बेटा का शादी का कलसा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसको पेंट कर दिए। इधर देखिए ये तेल का डब्बा है, तेल के डब्बा को मैं इसको काट के इसको बना दी हूँ, उसमें भी मैं तीन तीन पेड़ लगा दी, मनी प्लांट है, सदाबहार है, एक और प्लांट उसमें मैं लगा दी हूँ, ये भी देखिए ग्रो कर रहा है। ये एक देखिए डब्बा था, ये भी इस डब्बा को भी मैं काट के लगा दी, मिट्टी इसमें नहीं डाली हूँ, मिट्टी डाल के मैं इसमें कुछ लगाऊंगी मैं पेड़, अभी इस तरह से इसको टांग दी हूँ। मैं अच्छा दिन आज वीडियो बना रही हूँ, आज मेरे बेटी दामाद लोग कल जाएंगे, US जा रहे हैं, तो मेरे दामाद को मेथी का लड्डू बहुत अच्छा लग रहा है। एक दिन बना के तो खिलाए थे तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो बोले कि मम्मी फिर बना दीजिए, तो ही मैं देखिए आज मैं बना रही हूँ। कैसे बनाई हूँ, पूरा मटेरियल कितना लगा है वो तो मैं बाद में आपको फिर बनाऊँगी तो बता दूँगी, लेकिन देखिए अभी मैं बना रही हूँ, वही मैं आपको सोची कि थोड़ा दिखा दूँ कि मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखिए इसमें है तीसी है, तीसी को भून दिए हैं, 200 ग्राम तीसी है, आधा किलो चावल का आटा है उसको भुना हुआ है, उसके बाद मेथी है, 50 ग्राम मेथी होगा, ड्राई फ्रूट है, घी है, और सबको इसको मिक्स करके अब लड्डू इसको बांध दीजिए। ये लिट्टी ये लड्डू जा रहा हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ़ायदा करता है, सुबह में बच्चों को खिलाइए, अपने खाइए। और हाँ, गुड़ को है इसमें कम से कम 1 किलो गुड़ लगा है, आधा किलो चावल था, और 250 ग्राम इसमें है तीसी है भूंजा हुआ, भूंज के उसको मिक्सी में पीस दी हूँ, और 50 ग्राम मेथी है, और ड्राई फ्रूट है, और इसमें करम मैंने जितना भी आप अपना मीठा डालिए, लेकिन मैं तो इसमें करीब करीब 1 किलो गुड़ डाली हूँ, और घी इसमें कम से कम 250 घी आपको लगेगा कम से कम। देखिए सब गुड़ शुद्ध घी इसमें कम से कम 250 घी इसमें लगा है, 200-250 करीब में लगा है घी, मैं घी है और सब में मिला मिक्स कर दी हूँ, और मिक्स करके अब इसको बस छोटा छोटा जो भी साइज आपको अच्छा लगे, बड़ा छोटा जो भी अपने हिसाब से आप इसको बना दीजिए गोल गोल, इस तरह से इसको बना के देखिए ऐसे बना के इसको रखते जाइए, बच्चा को खिलाइए। ये मेरा तो ये लड्डू मैं अभी बना ली हूँ, अभी धीरे धीरे देखिए बनाना है। ये देखिए मेरा लड्डू अपने साइज़ के हिसाब से जैसे भी आवे आप बनाइए, बच्चा लोग को सुबह सुबह खिलाइए, सुबह में इसका बहुत फ़ायदा करता है, सुबह में बच्चा लोग ब्रश किया उसके बाद आप एक लड्डू खिला दीजिए, गिलास में गिलास दूध या बॉर्नविटा जो भी आप बच्चा लोग को देना चाह रही हैं आप दे सकती हैं, इसको अच्छा लगेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा, मैं वीडियो में बहुत बड़ा नहीं करना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा आजकल किसी को इतना टाइम नहीं है कि उतना ज़्यादा देर तक आपका वीडियो देखेगा, तो मैं तो कोशिश की हूँ कि छोटा सा छोटा मतलब वीडियो मेरा बने। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमको लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये पहला चैनल आप लोगों को कैसा लगा है, तो मुझे भी आगे कुछ बनाने का हौसला बढ़ेगा मेरा, अच्छा लगेगा मैं। तो देखिए आप लड्डू तो मैं आज आप लोग को पूरा मैं बता ही नहीं हूँ कि कितना मटेरियल कितना मिलाई हूँ, मैं थोड़ा बहुत ही आप लोग को बता पा रही हूँ, और बाद में आप लोग को मैं सारा चीज़ मैं बताऊँगी, मैं जितना कुछ जानती हूँ बिहार का झारखंड का, कहे कि मेरा मैके ही बिहार है, बिहार के मैं सासाराम के रहने वाली हूँ, और मेरा शादी झारखंड में हुआ है, इसलिए मैं दोनों तरह का चीज़ मैं बनाना जानती हूँ, धुसका बड़ा से लेके और बिहारी खाना सारा मैं जानती हूँ। मैं धीरे धीरे करके मैं सब कुछ आप लोग को बताऊँगी कि कैसे बनता है, तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आज पर आप लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए कि हाँ अच्छा है, मुझे सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ाने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा हौसला बढ़ाइएगा कि हाँ आंटी ठीक बनाई है। मैं अभी तो मैं इतना ही दिखा रही हूँ, और फिर बाद में मैं अपना बिहारी खाना जो भी मेरे बिहार का है खाना है झारखंड का है
वो दोनों चीज़ मैं आप लोग को बना कर दिखाऊँगी कैसे क्या बनता है। और मैं अपना जो बगान बनाए में जो फूल पत्ती मैं लगाई हूँ वे भी मैं आपको बताऊंगी कि हाँ कैसे लगा है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में बहुत खाद का ही ज़रूरत है, घर में भी आपको खाद बहुत तरह का मिल जाता है, वो सब भी आप यूज कीजिए। ये नहीं है कि बहुत पैसा खर्च करके ही आप कोई चीज़ अच्छा बना सकती है। तो हम तो अपने पेड़ पौधा में अभी कुछ भी नहीं डाली, केवल मिट्टी है और वही चाय मैं बनाती हूँ, उसका चाय पत्ती जो है वही चाय पत्ती मैं धो के उसमें मैं डाल देती हूँ, उसी में मेरा पेड़ पौधा बहुत ग्रो कर रहा है। और मैं सब पेड़ पौधा कैसे मैं बनाई हूँ कैसे क्या है सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी, एक एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगी धीरे धीरे आपको। आज तो मेरा पहला ही वीडियो है इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा है और आगे मैं आप क्या क्या बना के आपको बताऊंगी, आपको क्या अच्छा लग रहा है सब कुछ मैं बताऊंगी। जो भी आजकल की लड़की लोग जो कुछ भी है अगर चाहेगी कि हाँ हमको बताएं तो मैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। आप कमेंट कीजिए और अपना दीजिए कि हमको क्या चाहिए, क्या चीज़ आप सीखना चाह रही हैं, क्या चीज़ अच्छा लग रहा है आपको, मैं हर चीज़ आपको बताना चाहूँगी। आज मैं अपना वीडियो मैं समाप्त कर रही हूँ और मैं अगला वीडियो में अपना गार्डन में किस तरह से बनाई हूँ, किस तरह से छोटा जगह में और उतना गमला मेरा कैसे हटा है, कैसे सेट की हूँ, सब मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊँगी। और बस इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म कर रही हूँ।